रुक करते हैं सोनभद्र की अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सोनभद्र के आगोरी के अंदर एक मां भगवती का विशाल मंदिर, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ में अपने माता के मंदिर में शीश नवाते हैं और कुशलता और सुखाली की कामना भी करते हैं। लेकिन प्रशासन को देखा जाए, अगर प्रशासन की बात की जाए, तो आपको बता दें कि इस मंदिर की विडंबना रही है कि लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रशासन लगातार मौन है। स्वच्छता की अगर बात की जाए तो वहाँ चारों ओर अस्वच्छता का आपको भंडार देखने को मिलता है। मांसाहारी लोग मांसाहार का प्रसाद पाने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन स्वच्छता का नाम कहीं दिखाई नहीं देता है। इसे विडंबना कहा जाए कि अगोरी किला दुर्गा मंदिर आस्था रखने वाले हजारों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती है, उनकी ही हो रही अपेक्षा पर प्रशासन मौन है। भीषण गंदगी के बीच श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ पर न सिर्फ प्रशासन उदासीन रवैया अपनाता है, बल्कि जनप्रतिनिधियों का भी सार्थक प्रयास इस ओर नहीं हो रहा। ग्राम प्रधान द्वारा एक वर्ष पूर्व जिस अगोरी किला को दुर्गा मंदिर के महत्व को ध्यान में रखकर अगोरी सहित पूरे चोरा ग्राम पंचायत को ग्राम सभा आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित किया गया था। नमस्कार, मैं आवा 24/7 से कामेश्वर विश्वकर्मा। मैं सोनभद्र जिला ग्राम सभा अगोरी में आया हूँ। एक किला है, यहाँ पे लोग आते हैं, धरोहर है, लोग हजारों की संख्या में आते हैं दर्शन करने, किला देखने लोग आते हैं। यहीं बगल में एक शौचालय है, तो शौचालय इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है कि उसमें अगर हम जाएंगे तो उसमें सांस बंद करके अंदर जाना होगा, गंदगी इतनी पड़ी है। और आपको बता दें कि यहाँ नंबर लगा लिखा हुआ है, यहाँ नंबर पे अगर कोई भी नंबर लगाए है, तीन में से एक भी नंबर नहीं लगा है, तीन में से एक भी नंबर जो लग रहा है वो ना टीचेबल बता रहा है या कोई कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है। और यहाँ प्रधान द्वारा एक सफाई कर्मी नियुक्त हुआ है कि सफाई करेगा और डेली आएगा, डेली इसका टाइम भी यहाँ लिखा हुआ है, मगर हम जब से आए हैं, हम लमसम 1 बजे आए हैं यहाँ, न सफाई कर्मी दिखाई दिया है, न ये शौचालय पूरा गंदगी का अंबार बना हुआ है। और बाबा जी, यहाँ के आप महंत हैं, आप पुजारी हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, इस शौचालय जो बना हुआ है ये गंदगी से अंदर घुसने में इस तरह लग रहा है कि लोग वहीं पे गश्ती खा कर गिर जाएंगे, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस पे आप कहना क्या चाह रहे हैं? कभी साफ होता है? इसमें पानी आता है कि नहीं आता है? नहीं, पानी नहीं आता है। साफ आई इस पे क्या इस पे सफाई कर्मी नियुक्त होगा? हाँ, तो नियुक्त है तो आता है सफाई करने? डेली सफाई होता ही है? नहीं, आज आया है बहुत दिन पर। आज आया है तो सफाई किया? हम तो अंदर गए नहीं है। नहीं, सफाई तो नहीं है उसमें? 15 रोज से साफ नहीं है। 15 रोज से साफ नहीं है? हाँ। इसमें जैसे पानी कभी चखा ही नहीं? चढ़ता था, लेकिन जब पानी नहीं चढ़ रहा है तो उसी समय से गंदा पैदा हो गया। अच्छा, पानी की वजह पानी नहीं चख रहा है? हाँ। वजह क्या है? पानी नहीं जा रहा है उसमें? कनेक्शन हुआ होगा वो बड़े से पानी वाले टंकी से? नहीं है, पाइप द्वारा हम कुछ दिन चढ़ाए थे, पाइप जब फट गई तो पानी चढ़ा। यहाँ करोड़ों की संपत्ति आई है विकास के लिए, अब योगी सरकार ने दी है, यहाँ विकास खरंजा पूरा, वहाँ देख रहे हैं फर्श पूरा टूटा हुआ है, विकास यहाँ केवल टीने की, इसमें टीने में ही केवल करोड़ों रुपया लागत का खत्म हो गया। यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है, बस यही शौचालय बना है और टीना लगा हुआ है। तो देखिए, दिया है और अमरेश पटेल दिया है, खरवार दिया है, वो 4-5 लाख का बोलते हैं लोग, वो 4-5 लाख का बिचला टीन से देख लीजिए। अच्छा, 4-5 लाख का ही टीना है, टीन सेट? हाँ, बीच वाला। और इधर किनारे वाला तो नहीं बता सकते हैं, ये अमरेश पटेल दिया है। अच्छा, उधर वाला अनिता राकेश, उसका फंड मालूम होगा? ये फंड हमको मालूम नहीं। अच्छा, पूरा फाउंडेशन? हाँ। मालूम नहीं है वो। हाँ। हमको साल में पेट हमारा कैसे चलेगा? हाँ? अभी तो पोल देख रहे हैं, जो पिलर है। हाँ। वो चरचरा गया है। हाँ। कभी भी ध्वस्त हो सकता है, गिर सकता है उसमें। हाँ। लोग घायल भी हो सकते हैं। हाँ। उसमें पूरा चरचरा गया है, बैठ गया है, देख रहे हैं। यहाँ जिम्मेदार अधिकारी कोई प्रधान आते हैं तो उसको उनको अवगत नहीं कराए कि टूट रहा है इस पे? हाँ।
कहा जाता है। प्रधान जी को अवगत कराए? नहीं, वो देखता है कभी कभी आकर के, बोलता नहीं है। बोलता नहीं है? हाँ, तो क्या करें।